गुड मॉर्निंग रुद्र। अब आइए, रुद्र को हम लोग ने ऐसे शेड में पार्किंग किया था। एक्चुअल पार्किंग इज देयर बट शी स्पेशल, इसलिए यहाँ पर पार्किंग। MTDC चिखलधारा, इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट के लिए हमको 8 किलोमीटर दूसरे साइड जाना है क्योंकि MTDC रेस्टोरेंट इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। विल बी क्रॉसिंग मार्केट एरिया बट हैड टू टेक दिस स्टॉप बिकॉज अगेन थिंग्स आर चेंजिंग। इट्स मिस्ट, इट्स fog and it's so good to see. This trip was actually because of monsoon in Maharashtra. पहुंच गए but बारिश is तूफानी। Struggle of reaching MTDC Orange Restaurant. ब्रेकफास्ट हो गया है एंड वी आर योर एट देवी पॉइंट। ऐसे लग रहा है यहाँ पर मेला लगा हुआ है, एक्चुअली जेन्युइनली मेला लगा हुआ है। देयर इज भुट्टा वाला, देयर इज डबल साइकिल वाला, देयर इज घोड़े वाला एंड यहाँ पर वो बचपन में अपन खेलते थे ना, स्लाइडिंग स्लाइड भी है यहाँ पर एंड देयर इज मिनी कार, जंपिंग जैक, सब कुछ है यार गाइस। सो दिस इज जस्ट लाइक अ टूरिस्ट एंड पिकनिक स्पॉट। के लिए थोड़ी सी बारिश अभी कम हो गई है, कम क्या बंद हो गई है एंड ये कभी भी यहाँ पर बरस सकती है। बाय द वे ये पूरे एरिया में मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी, मतलब सबसे ज्यादा अच्छी लगी एंड अट्रैक्टिव लगी, इज अ डबल सीट साइकिल। ये 50 रुपीज चार्ज करते हैं एंड ये पूरा एंटायर एरिया का आप दौरान मार सकते हो। तो प्रिटिली डेकोरेटेड इट इज, मतलब फ्लावर से इसको बनाया गया है। यहाँ पे कुदरती पानी टपकता है, जो मन्नत मांगोगे, विश जो भी मांगोगे वो पूरी होगी। अपने पास जैसे विश का लिस्ट है लिस्ट बोल रहे हैं भगवान को कि ये चाहिए। माय टीम इज राइट योर। हाय गाइस, हमेशा कैमरा के पीछे हो, आज कैमरा के टेकिंग प्रिकॉशन। मास्क जबकि यहाँ पर कोई पहना नहीं, मतलब किसी को डर नहीं है। अभी हम लोग को जाने का है वो साइड पे देवी पॉइंट, वहाँ पे देवी माँ की मंदिर है। टू एक्साइटेड टुडे। फर्स्ट थिंग दैट वी प्लान टू सी इज देवी पॉइंट। थोड़ा सा उसके लिए ट्रैक करना पड़ेगा, अभी सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करते करते हम मतलब क्या ये वही लोग हैं जिनके घर पे हल खाना खाए थे। सेम पीपल मेट हियर। भैया चिखलधारा, अरे नहीं इग्नोर कर दिया उसने यार, तू भी इग्नोर करेगा मेरे को। कम टू चिखलधारा एंड विजिट एंड एक्सप्लोर। ये मंदिर है, देवी माँ के मंदिर है। ये है आदि शक्ति देवी माँ जो प्रकट हुई है पानी के अंदर से। रॉक कट केव जिसे बना है उसके अंदर देवी माँ की मंदिर है एंड थोड़ा सा ये आगे जाके ना तो जो केव है उसके अंदर से पानी टपक जाता है, दैट इज नेचुरल वाटर। और ऐसा बोला जाता है अगर यहाँ पर आप जो भी इच्छा मांगोगे वो पूरी होती है। एंड जो पानी यहाँ से गिर रहा है, इमेजिन ये 24/7 थ्रू आउट पूरा 12 महीना रहता है एंड ये पानी कहाँ से आता है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। मी बीइंग गर्ल्स एंड गर्ल्स बीइंग गर्ल्स, शॉपिंग बहुत क्यूट सा लगा मेरे को यहाँ से, तो आई बॉट दिस। थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लिया मैंने। आई टुक लाइक अ चाइनीज फैन, गर्मी हुई तो यू कैन डू दिस। एंड अभी बारी है बोर खाने की। कितना दिला? 10 रुपए ला दो यार, मस्त वाला बढ़िया वाला बोर खाएंगे। बड़ी गर्म है, फोटो निकालना आपका एकदम बढ़िया, फोटो वीडियो सब आने वाला है आपका। Thank you. Let's have boar. It's a taj that you get here. 10 rupees. I don't know what किसने बनाया है। ऐसा लग रहा है बताओ। It's handmade. Good. Shop locally. Local चीजें खरीदो and help them also go. Support small business. Oh my God, squad! देखते ही यहाँ पर मच गया है कोहरा, कोहरा ही कोहरा। तो यहाँ से जो वाली दिख रही थी अभी वो दिखाई नहीं दे रही है, पूरी ढक चुकी है। और ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में ना पूरा मौसम, माहौल, क्लाइमेट, वेदर, सीजन सब बदल रहा है। सिचुएशन हो गई है कि अपना ड्रोन उड़ते उड़ते वो उड़ी है कहीं, तो ड्रोन चल दिया, पता नहीं कहाँ उड़ गया। अभी हम लोग बस ढूंढ ही रहे, ऐसे जंगल में तो शायद ही मिलने वाला, पता नहीं कहाँ ही गया। थिंग दैट वी नीड इज अ सिम कार्ड। द ओनली सिम दैट वर्क्स हियर इज वी आई वोडाफोन एंड आइडिया टुगेदर। नाउ लेट्स हिट एंड टेक द सिम फर्स्ट। बहुत कोशिश किया उन्होंने ड्रोन ढूंढने का, बट ड्रोन नहीं मिला एंड सैड होके पूरा दिन वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं था। तो जस्ट टू चीयर माई मूड अप, व्हाट आई डिड इज आई हायर्ड अ जीप बिकॉज आई वांटेड मोटिवेशन। तो अपना जो एमटीडीसी है वो साइड है एंड अभी हम लोग सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर जाने वाले हैं। लास्ट वाला पॉइंट इज भीमकुंड पॉइंट एंड वहाँ से देखते देखते हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करके विल कम बैक टू आवर रिसॉर्ट। इस भीमकुंड, अब इसको भीमकुंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो 5 पांडवा में से एक पांडव थे उनका नाम भीमा था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पांडवास। उन्होंने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था खचक एंड वध करके उनको ये दरी में डाल दिया था, मतलब ये वैली में डाल दिया था। उन्होंने अपने आप को शुद्ध एंड स्वच्छ करने के लिए राक्षस के वध के बाद यही दरी के पानी से उन्होंने स्नान किया था। तो दैट इज हाउ ये जगह का नाम पड़ा भीमकुंड एंड खचक दरी से नाम आया है चिखलधारा। Destination that I plan to go now is Mojri Point. Again, it has some amazing story, but on the way, what I saw is Satpura Ranges. It is the highest range that I've seen till now. मतलब यहाँ पर. So this is the third point for the day. It's called Mojri Point. Now the reason this is Mojri Point is because यहाँ पर दूर अगर आप गांव देख सकते हो वो साइड पे, तो गांव का नाम है मोजरी गांव एंड वहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं। So this Mojri Point is again completely based on to show how Adivasis still live and still survive and still earn their livelihood. तो चिखलधारा में एक मार्केट लगता है एवरी संडे, जहाँ पर ये जो आदिवासी जो क्रॉप उगाते वो उनका फील्ड है, वहाँ पर वो लोग कल्टिवेट करते, वो पूरा वेजिटेबल्स लेके दे एक्चुअली क्लाइम द एंटायर माउंटेन एंड यहाँ पर प्रॉपर पाथ एंड देयर इज नो प्रॉपर वे टिल नाउ। तो अभी भी ऐसा होता है दैट आदिवासीज, हम तो चांद तारे पे पहुँच गए बट आदिवासीज अभी भी यहीं पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड ऐसे रास्ते पे से लेकर चिखलधारा मार्केट में लेकर आते हैं जहाँ पे रास्ता ही नहीं है। दे मेड देयर ओन वे एंड जब भी वो चिखलधारा के ऑफिस में जाते हैं, तो मुझे वहाँ के ऑफिसर ने बताया जब वो आते हैं, जब जैसे नॉर्मली हम फ्रेंड्स कैसे ऑफिसर के सामने विल स्टैंड लाइक दिस 1 2 3 4, बट अगर कोई आदिवासी वो ग्रुप जाते हैं तो वो लोग एक लाइन में खड़े रहते बिकॉज दे आर यूज टू क्लाइंबिंग लाइक दिस इन अ रो, क्योंकि वे नहीं है पाथ नहीं है इसलिए वो ऐसे चलते। इमेजिन आदिवासीज लाइफ स्टिल इज लाइक दिस, देयर इज अ वे एंड अ मार्केट दैट साइड ऑफ द फील्ड, बट वो लोग वहाँ पर जाती नहीं है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए उनको 10 रुपीज़ लगता है, तो अगर वो मार्केट में वो लोग जाके बेचते तो शायद 8 रुपये में बिकेगा, बट इन चिखलधारा अगर 10 रुपये में बेचते वो लोग तो 10 का 10 मिलेगा और एल्स 10 का 12 भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ प्रॉफिट एंड वो छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए वो लोग एवरी संडे जो मार्केट लगता है इतना मेहनत से ऊपर आते हैं एंड देन नीचे जाते हैं एंड दे आर स्टिल सेटिस्फाइड एंड गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग दैट आदिवासी जो है वो सिटी लाइफ से थोड़ा सा टच दे, बट उनका ऐसा है दैट वो लोग पले बड़े पूरा जीवन वो लोग ने यहीं पे इन जंगल बिताया हुआ है, तो दे डोंट रियली वांट टू नो गेट कनेक्टेड टू सिटी लाइफ। दिस इज Mojri Point ऑल अबाउट। स्टूडेंट पूरा चिखलदरा एक्सप्लोर करने का जो जीपसी में मजा आ रहा है ना, ट्रस्ट भी इतना ज्यादा मजा मुझे इसके पहले कभी नहीं आया है। सो दिस इज वन स्पॉट, इट्स बोटिंग पॉइंट, बट यहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे बिकॉज पूरा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है क्योंकि वहाँ पर वो पीछे काम चल रहा है। बट इफ यू गाइज कम हियर एंड यहाँ पर काम हो जाता है तो बोटिंग जरूर करना है यहाँ पर। So I've parked my jeepsy out there and थोड़ा सा दूर चल के आ गया तो यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके यू कैन एक्चुअली एंटर द फोर्ट, बट ड्यू टू कोविड वी कैन नॉट गो इनसाइड, अंदर नहीं जा सकते। क्या आगे इसकी कहानी तो सुन सकते हैं। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, गाविलगढ़ किला, गाविलगढ़ फोर्ट। अभी इसको गाविलगढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के जो राजा थे पुराने ज़माने में ऐसा था, उनका जो समाज होता है वो लोग उसको लेके काफ़ी प्राउड फील करते थे। तो यहाँ के जो राजा थे वो कृष्ण के वंश थे, वो गवली थे, इसलिए ये किले का नाम पड़ा गाविलगढ़ फोर्ट। एंड इसकी स्पेशलिटी ये है, यहाँ पर दो गेट है, ये वाला जो है वो गेट नंबर 1 है एंड जो सेकंड गेट है वो गेट नंबर 1 से 150 मीटर पे है, मतलब 150 मीटर्स की दूरी पे इसका सेकंड गेट है। एंड सेकंड गेट से रानी महल जो है वो 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, मतलब अगर, और ये जो पूरा महल है इसके तीनों साइड पे दरी है, मतलब वैली है, तो मतलब दुश्मन जब भी अटैक करने को आएगा तो देयर इज नो चांसेस दैट वो पूरा वैली एंड दरी क्रॉस करके आएगा। इसको बोला जाता है किंग ऑफ फोर्ट इन विदर्भ रीजन। ये वाला स्पॉट ऐसे हम लोगों ने ढूंढ लिया है जहाँ पर यू सी मोजरी गांव इज देयर, मोजरी पॉइंट देयर, देवी पॉइंट उधर है, पॉइंट के एकदम सामने बोटिंग है एंड वहाँ पर है गाविलगढ़ फोर्ट। तो चिखलदरा इज़ फेमस फॉर मेलघाट टाइगर सफारी एंड टाइगर सफारी अभी कर नहीं सकते, बफर एरिया तक जा सकते हैं, बट बफर एरिया में जाके फ़ायदा ही क्या है, तो उससे बेटर मैंने सोचा कि सफारी में मज़ा क्या आता है, तुम जंगल देखते हो एंड जीपसी का मज़ा होता है, तो जीपसी का मज़ा तो मैं ऐसे ले ही रही हूँ। सब जंगल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल द पॉइंट्स आई कुड एंड जो बुकिंग होती है जंगल सफारी की इट इज़ राइट देयर। तो दिस वन इज़ द 6th पॉइंट, दिखने के लिए सारे सेम दिखते हैं बट इसका नाम है एको पॉइंट। अब पंगा ये होता है समर सीजन में ये पूरा ड्राई अप रहता है एंड ड्राई होता है इसलिए एको इजीली होता है, बट नाउ इट्स मॉनसून टाइम एंड मॉनसून टाइम पे एको इतने अच्छे से नहीं होता, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई इट आउट। अब क्या नाम चल रहा है वही सोचना पड़ेगा। शैडो। सो चिखलदरा में जो भी आता है वो ये 3 चीज़ का शॉपिंग करता ही करता है। नंबर 1 इज़ कॉफ़ी बिकॉज कॉफ़ी इज़ फेमस इन चिखलदरा, तो यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर मिलता है। सेकंड इज़ तिखाड़ी ऑयल, ये जो गवत होती है, घास होती है, उससे बनता है ये ऑयल एंड ये ऑयल जो बनाया इट्स फॉर जॉइंट पेन, भी अपने लिए बना हुआ है। जो तीसरी चीज़ आप यहाँ से बाय कर सकते हो वो है मध। तो नॉर्मली हम दूसरी जगह से जो मध खरीदते हैं वो प्लांट्स पे से कलेक्ट करके होता है, बट मेलघाट एरिया में काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक प्लांट्स है, तो ये जो मध है उससे कलेक्ट होता है, तो इसको मध तो नहीं बोलेंगे बट इसको आयुर्वेदिक औषध, मतलब आयुर्वेदिक मध एंड आयुर्वेदिक दवा बोल सकते हैं, तो इसलिए ये मध यहाँ का स्पेशल है। ये जो ट्रीज दिख रहा है आपको, ये ट्री के ट्रंक पे जो क्रीपर्स है उससे बनता है कॉफ़ी। देखो दादा ने हमारे लिए क्या लाया, कॉफ़ी का पेड़ है, जो छोटी छोटी सीड्स है वो कॉफ़ी बीन्स है ना। चिखलदरा की कॉफ़ी की एक और ख़ास बात है, नॉर्मल जो अपने पास कॉफ़ी के पैकेट होते हैं वो जब भी अपन घर पे रखते हैं तो उसका ऐसा गट्टा हो जाता है एंड वो वेस्ट चले जाती है, या तो एक कप कॉफ़ी बनाना होता है आपने को तो पूरा की पूरा सैशे यूज़ कर लेते, बट चिखलदरा कॉफ़ी पाउडर अब 3 महीने तक इवन इफ़ यू कीप इट ओपन विदाउट बॉटल तो वो गट्टा नहीं होगा। दिस इज़ द स्पेशलिटी अबाउट चिखलदरा कॉफ़ी पाउडर। दिस इज द 7th पॉइंट फॉर द डे, हरिकेन पॉइंट। अब इसको हरिकेन पॉइंट इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ से विंड ब्लास्ट स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर आके वो टॉर्नेडो बनता है, मतलब हरिकेन बनता है। एंड दिस इसका जो खोल है इट इज़ 300 फीट डीप। वन थिंग दैट इज़ रियली यूनिक आउट हियर, जितने भी स्पॉट्स हम गए, जितने भी पॉइंट्स देखे उसमें सारे बैनियन ट्रीज थे। यहाँ के ट्रीज है इज़ लिटिल डिफरेंट, जो प्लांट सर्वाइव कर सकता है वही प्लांट रह सकता है एंड मैक्सिमम यहाँ पर आयुर्वेदिक प्लांट है, जंगली केले का प्लांट हो रहा है। इट इज़ सेड दैट अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है एंड nose starts bleeding, that time you're supposed to have that banana, jungli banana. This is our 8th 8th पॉइंट फॉर द डे, इट्स कॉल्ड बैलेंस स्टोन पॉइंट। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्टोन बनाया हुआ है बैलेंसिंग के लिए, बट एक्चुअल बैलेंसिंग स्टोन जो है ना वो रहा वहाँ पर। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो एक साल बाद देख रहे हो मेरे अपलोड करने के, तो यहाँ पर बनने वाला एक स्काई वॉक वहाँ से शुरू होने वाला है एंड यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। इमेजिन इंडिया में यू विल हैव अ स्काई ग्लास वॉक एंड यू आर इन चिखलधारा। This is our second last point that I plan to show you guys. It's called perspective point. For us, this is sunset point because यहाँ से sunset, it's so beautiful. अभी ये अपने लिए थोड़ा सा दुख वाला point है because अपना drone जहाँ पर खो गया है वो यहीं पे है। हम जहाँ पर सुबह ढूंढ रहे थे which is like right there and मेलघाट टाइगर रिजर्व है जो फॉरेस्ट सफारी होती है वो वाले पहाड़ पे। इसीलिए हम लोग जंगल ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो अंदर अंदर जाने थे ड्रोन ढूंढने के लिए बिकॉज यहाँ पर बर्ड, सांबर एंड बेर आते हैं। तो ड्रोन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल अपनी लाइफ थी, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। बट ड्रोन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, लाखों का नुकसान जो हो गया है हमारा। बट लेट अस जस्ट एंजॉय द व्यू फॉर नाउ। सो दैट वाज इट गाइस, जितने भी पॉइंट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं एंड ऑल थैंक्स टू जिप्सी फॉर चेंजिंग मूड एंड स्पेशल थैंक्स गोज टू हमारा स्पेशल थैंक्स मनापासून। इन्होंने सारा माहिती दिया हुआ है, इन्होंने इतना क्विकली मूड चेंज किया एंड सारी स्टोरीज बताया दैट आई कैन टेल यू गाइस, सो थैंक यू सो मच। मस्त वाट लो, आप लोग आ रहे यहाँ पर तो ट्राई करना जीपसी सफारी, मजा आएगी आप लोग को। बारी आती है अपनी ब्लॉग एंड करने की। मैं अपने रूम में पहुँच गई हूँ एंड रूम में पहुँचने से ही व्हाट आई डू इज दिस, पीस आउट। बट एक और चीज़ दिखाना है, अभी फ्रॉम माई रूम चेंज होते रहता है पूरा टाइम। ये देखो अभी अब पहाड़ दिख रहे हैं, वरना ओनली फॉग चलता है यहाँ पर। खाना पीना खा के मस्त आई एम बैक इन माई ऑफिस। नई ऑफिस हायर किए हुए, बाय द वे दिस इज MTDC चिखलधारा मैनेजर्स ऑफिस, उन्होंने हमको दे दिया है बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं है एंड यहाँ पर ऑफिस में वाईफाई आता है, तो वाईफाई पे पूरा अपलोडिंग जितना भी आप स्टोरीज देख रहे हो यहाँ से हो रहा है। सो गाइस आज के लिए ब्लॉग इतना ही। एज ऑलवेज दिस इज राधिका साइनिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑल स्टेटअप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम सो गाइस, नाथ ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पॉइंट इन द ब्लॉग फ्रॉम चिखलधारा एंड शेयर इट अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। ऑल्सो अपने 54% ऑफ व्यूअर्स जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1 million। टिल देन कीप काम एंड घेऊन टाक मोर पार्ट यू। जय महाराष्ट्र। फोटो घ्यायला एक हजार